हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हमें एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इंडियन एक्सपीरियंस वाले हमें एसी टेक्नीशियन चाहिए। दोस्तों, इसमें सैलरी क्या रहेगी, ड्यूटी क्या है, अदर बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करी कंपनी, जो सारी डिटेल्स है आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी और भी कई सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है हम उस पर पोस्ट करते रहते हैं, वो भी आपको वहां से मिलती रहे। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हमें एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। आपको जो है वो अगर आपने आईटीआई किया है तो ज़्यादा बेनिफिट है, एडिट एडवांटेज रहेगा आप लोगों के लिए। आपको जो है इसके अंदर 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसी टेक्नीशियन में, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो और रिपेयरिंग वगैरह का जो सर्विसिंग वगैरह काम होता है ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ये दोनों एसी के अंदर आपने काम करा हो, आपको उसका सर्विसिंग का, रिपेयरिंग का, हर एक तरीके का काम आना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो कैंडिडेट्स के एज की रिक्वायरमेंट है वो 25 से लेकर 35 साल तक के है। मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 35 होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें जो हमें कैंडिडेट्स चाहिए वो इंग्लिश स्पीकिंग वाले चाहिए, मतलब जैसा कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन करने आना चाहिए, जैसा आपका इंट्रोडक्शन वगैरह दे सको, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है वो समझ के आप रिप्लाई कर सको, इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए। और दोस्तों, आपके पास इंडियन कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कार इंडियन कार ड्राइविंग लाइसेंस है तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इसमें जो कंपनी सैलरी दे रही है वो 1300 बेसिक सऊदी रियल सैलरी है, प्लस 250 रियल खाने का है, प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, अकामा, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। टोटल जो सैलरी है वो 1550 सऊदी रियल सैलरी है। पर जो ड्यूटी है वो 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है। दोस्तों, इसमें जो पासपोर्ट है वो ECR/CNR दोनों भी चलेगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो है वो कम्युनिकेशन करने आना चाहिए इंग्लिश के अंदर, थोड़ा बहुत आप बेसिक अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बात समझ के रिप्लाई कर सको, इतना आपको इंग्लिश कम्युनिकेट करने आना चाहिए। और आपके पास इंडियन कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, इसमें हमें फ्रेश कैंडिडेट्स ही चाहिए, मतलब रिटर्न ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि गल्फ रिटर्न कैंडिडेट्स चाहिए या ऐसा कुछ। आपको इंडियन एक्सपीरियंस है, हमें इंडियन एक्सपीरियंस वाले ही चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के आपको हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, द प्रोवाइडर कंसल्टेंसी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, जाके आप लोग उसे चेक कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर डिटेल्स के लिए किसी उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड में और भी दो नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। अगर आप कहीं अदर स्टेट से देख रहे हो तो वहाँ पे कांटेक्ट करके हमें पता करिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका गाइड करेंगे कि आप लोग वहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या करना रहेगा, कैसा करना रहेगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग कोशिश करिए इस पर अप्लाई करने की। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में किसी को एसी टेक्नीशियन में अप्लाई करना है तो आके हमारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।